एवरीवन, दिस इज आशु धाईवाल और आप सभी देख रहे हैं टेक टीवी। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में है जी टीवी का सीरियल कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य की कहानी में प्रीता भले चेहरा ढक के लूथरा मेंशन पहुंच गई हो, लेकिन घर के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास से भी प्रीता गुजरते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है। जैसे कि करण लूथरा, जब प्रीता घर में आई तो उसे लगा कि कोई अपना आ गया। ऐसे में राखी और ऋषभ, इन्हें भी लगा कि मानो कोई अपना आ गया, क्योंकि प्रीता का सिर्फ अपने पति नहीं पूरे परिवार से रिश्ते बहुत गहरे थे। तो ऐसे में बता दें कि राखी को कई बार एहसास होगा कि कोई अपना लौटा है एक लंबे जो है टाइम के बाद। तो ऐसे में बता दें कि अब करण यहाँ पर घर में ढूंढ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, उसे भी नहीं पता कि वो किसको ढूंढ रहा है, वो किसको तलाश रहा है। लेकिन ऐसे में बता दें कि अब प्रीता जो निधि को ढूंढने के लिए कमरे तक जा रही थी, यानी कि दोनों करण प्रीता घर में किसी को ढूंढ रहे हैं, प्रीता तो यहाँ निधि को ढूंढ रही है, लेकिन करण किसको ढूंढ रहा है वो ये नहीं जानता। ऐसे में बता दें कि प्रीता अपना घूंघट उतारने वाली है कि मैं इस घूंघट में कैसे ढूंढूंगी निधि को, कैसे उसके कमरे को पहचानूंगी। तो तभी बता दें कि वहाँ पर करण पहुंचने वाला है, क्योंकि निधि और करण का सेम कमरा है। और ऐसे में बता दें कि करण अब इस डांस वाली को रोकने वाला है। जन्माष्टमी पर जिस तरीके की सृष्टि और प्रीता ने परफॉर्मेंस दी थी, पूरे परिवार को वो परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने यही फैसला किया कि फंक्शन खत्म होने के बाद हम इनसे पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। तो ऐसे में बता दें कि अब करण रोकने वाला है यहाँ पर, इसी के साथ बड़ी बातें भी कहने वाला है, क्योंकि करण को एहसास होने वाला है कि ये उसकी प्रीता है। तो ऐसे में बता दें कि करण अब प्रीता को देखने वाला है, रंगे हाथ पकड़ने वाला है। अब कहानी में आएगा असली मजा जब करण प्रीता को पकड़ेगा और उसके बाद उससे पूछेगा कि यूं चेहरा ढककर इस घर में आने का क्या मतलब बनता है, तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे मर्जी आ सकते हो। प्रीता क्या तो यहाँ पर सफाई में बताएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जन्माष्टमी का ये एपिसोड इस शो को नया मोड़ देने वाला है, जो कहानी में लीप आया था, जो रिश्ते उलझ गए थे, जो यहाँ पर चीज़ें बिखर गई थी, अब वो सिमटती हुई और सुलझते हुए रिश्ते दिखने वाले हैं, क्योंकि प्रीता को अब करण पकड़ने वाला है और उसके बाद सच जो है वो पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा कि प्रीता यहाँ निधि को ढूंढने आई है और निधि ने कई बार प्रीता की जान लेने की कोशिश तक की है। बाकी करण यहाँ पर समझदार है, वो खुद चीज़ों को समझेगा। धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें जो है अब बाहर आ रही है और इसकी शुरुआत करण प्रीता के इस खास मिलन से होने वाली है, जहाँ जिंदा प्रीता को करण देखने वाला है, बड़े सवाल उससे पूछने वाला है, जवाब में प्रीता यहाँ पर क्या कहने वाली है, कैसे यहाँ सिचुएशन को संभालने वाली है, अब ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम निधि भी पकड़ी जाने वाली है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य की, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहना टिक टीवी।